मनोरमा किचन में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे टमाटर और हरी मिर्च की पाउडर। तो कैसे बनाते हैं चलिए देख लेते हैं। और देखिए गर्मियों में कितना टमाटर महंगा हो जाता है, हरी मिर्च भी कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है, कभी महंगा हो जाता है, तो इसलिए हम ये वीडियो लेके आए हैं आपके लिए। तो चलिए टमाटर और हरी मिर्च का पाउडर बनाते हैं। सबसे पहले हम टमाटर ले लिए हैं, इसको बारीक बारीक काट लेंगे। ये मैंने 1 किलो टमाटर लिया है और ये देखिए मैंने मिर्च लिया हरी मिर्च। तो इन दोनों को पहले इसे दरदरा पीसेंगे और इसे बारीक बारीक काट लेंगे। सबसे पहले हम टमाटर का को काट लेंगे। तो हम ये डंट इसका ऊपर का ये निकाल देंगे ऐसे अच्छे तरीके से, ये जो ये निकाल के और फिर हम इसको कट करेंगे। ये देखिए कितना अच्छा टमाटर है, ऐसे बारीक बारीक कट करेंगे। इसको ऐसे काट लेते हैं, ये देखिए इससे भी बारीक कट जाए तो काटिए, जल्दी से सूख जाएगा। ये देखिए काट लिए, ऐसे ही सारा काट लेते हैं। तो हम दिखाते हैं आपको, ये निकाल लेंगे ऐसे, ये देखिए सारा मैंने टमाटर काट लिया, एकदम बारीक बारीक काटे हैं, ऐसे ही काटिएगा। ये देखिए ऐसे। और अब हरी मिर्च को भी वो दरदरा पीस लेते हैं। ये मैंने हरी मिर्च ले लिया, मिक्सी में डाल देंगे ऐसे ही, पानी वानी नहीं डालना है, सूखे पीसना है इसे, बहुत काम की चीज़ है ये। फिर हम इसे दरदरा पीस के आपको दिखाते हैं। ये देखिए दरदरा मैंने पीस लिया, ये देखिए ऐसे बिल्कुल पानी भी नहीं डालें, ये जल्दी सूख भी जाएगा। तो चलिए इसे भी निकाल लेते हैं। ये देखिए मैंने ये हरी मिर्च दरदरा पीस लिया, बारीक टमाटर काट लिया ये। तो हम इसको ऐसे एक थाली लेंगे, थाली लेंगे जिसपे ये पन्नी लगा हो, तो हम टमाटर को इसी में रख लेंगे, ऐसे फैला के डालना है कि अच्छे से ये सूख जाए। सारा ऐसे प्लेट में फैला लेंगे। एक से दो दिन इसे अच्छे तरीके से धूप लगाएंगे और ये सूख जाएगा। ये देखिए टमाटर मैंने दो थाली में कर लिया ऐसे, इसके नीचे पन्नी लगा लिए हैं, इसे जल्दी भी सूख जाएगा और ये चिपकेगा नहीं थाली में। तो चलिए इसे हम सुखा लेते हैं फिर दिखाते हैं आपको। ये देखिए मैंने सुखा दिया, कितना अच्छा सूख गया है और ये मिर्च भी सूख गया है। ये देखिए तो हम दोनों को पीस लेते हैं, ये देखिए कितना अच्छा सूख गया है। अब चलिए इसे हम पीस लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं टमाटर पीस गया, ये देखिए कितना बढ़िया टमाटर, खुशबू आ रहा है ऐसे कि एकदम फ्रेश टमाटर है। ये देखिए टमाटर पाउडर मैंने पीस के रेडी कर दिया। अब इसको मिक्सी जार से निकाल लेते हैं। ये देखिए मैंने प्लेट में निकाल लिया, ये देखिए मैंने सारा निकाल लिया, कितना बढ़िया पीस गया है टमाटर का पाउडर। ये देखिए चलिए अब मिर्ची भी पीस लेते हैं। देखिए कितना अच्छा सूख गया है, इसे पीस लीजिए। चाहें आप चाहें तो ऐसे भी दरदरा भी रख सकते हैं स्टोर करके, आराम से ये चल जाएगा 5-6 महीने। इसे आप पीस लीजिए चाहे ऐसे रख लीजिए। तो हम ये देखिए मिर्ची मैंने पीस लिया, हरी मिर्च का पाउडर। ये देखिए आप इसे ऐसे आप ये पाउडर हरी मिर्च का पीस के रख लीजिए, चाहिए तो चोखा में डाल दीजिए, सब्जी में डाल दीजिए, कभी कोई चीज़ बना रहे हैं उसमें आलू का पराठे में डाल दीजिए, आलू का मिक्स बना रहे हैं उसमें डाल दीजिए 1 चम्मच, काटने का भी झंझट ख़त्म, बहुत काम में आएगा ये हरी मिर्च भी और टमाटर भी, ग्रेवी बनाने के काम आएगा। ये देखिए टमाटर पाउडर बना दिए मैंने, ये हरी मिर्च का पाउडर बना दिए। आप कोई भी सब्जी में बना रहे हैं आप डाल देंगे, बहुत ही टेस्टी लगेगा।
तो अगर इसकी वीडियो अच्छी लगी हो टमाटर की और हरी मिर्च की, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय।